गोपाल की जय, कोटी वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य सरजदास ठाकुर की जय, कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय श्री राधे। श्लोक संख्या 7 की शुरुआत पहले करेंगे और प्रेजेंटेशन बाद में रखेंगे। एवरी संडे इसी प्रकार से पैटर्न रहेगा, पहले श्लोक करते हैं देन प्रेजेंटेशन। आगे सर की, आगे सर की, जरा भी एक इंच की जगह पर छोड़िए बीच में। आ जाइए सर, यहाँ एक और बैठ सकते हैं। रोजिया इधर सर जाइए, इधर बैठो ना, ऊपर इधर बीच में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, यूटिलिटी इधर बीच में, कोई भी बैठ जाइए, सेवा है यूटिलिटी, किसी और के लिए जगह हो जाए, दो भक्त बैठ सकते हैं वहाँ पे, आप भी आइए, आइए दो भक्त बैठ सकते हैं, आपकी भी नहीं होगी, और बाकी आगे सर जाइए, आगे आगे आगे, एकदम आगे, एकदम आगे, बोलिए सीता 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 स
प्रत्येक दिन या अहर्निश खलु स्वभावतः पवित्र नाम रूपी श्री एव निश्चय जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चरित स्वादी स्वादिष्ट क्रमात् मूल अर्थात जड़ हंत्री अर्थात नष्ट करने वाली स्यात् कृष्णनाम चरितादि सीताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनु दिनं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनु दिनं खलु सैव जुष्टा
किंवादरादनु दिनं खलु सैव जुष्टा किंवादरादनु दिनं खलु सैव जुष्टा स्वात्मिक्रमात्मवति तद्गदमूलहंत्री स्वात्मिक्रमात्मवति तद्गदमूलहंत्री स्वात्मिक्रमात्मवति तद्गदमूलहंत्री स्वात्मिक्रमात्मवति तद्गदमूलहंत्री अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण का पवित्र नाम चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी भी रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य बोलिए भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम उनके गुण लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है, अतएव स्वभावतः वे सबो को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी और ध्यान के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए भगवान कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साथ समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण अवस्था में है ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो श्री भगवान का सनातन दास बने रहना है। जीवेन स्वरूप कृष्णेन नित्य दास, यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा भी प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट, the Krishna consciousness movement is being spread all over the world just to remedy this gross ignorance. People in general are misled by blind leaders. The leaders of human society, the politicians, philosophers and scientists are blind because they are not Krishna conscious. According to Bhagavad Gita, because they are bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life, they are actually sinful rascals and are the lowest among men. Na mam duskritino mudha prapadyante naradhama maya partha jnana asuram bhavam ashrita. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. VG 7.15. Such people never surrender to Krishna and they oppose the endeavor of those who wish to take Krishna's shelter. When such atheists become leaders of society, the entire atmosphere is surcharged with nascence.
In such a condition, people do not become very enthusiastic to receive this Krishna consciousness movement. Just as a diseased person suffering from jaundice does not relish the taste of sugar candy. However, one must know that for jaundice, sugar candy is the only specific medicine. Similarly, in the present confused state of humanity, Krishna consciousness, the chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Although Krishna consciousness may not be very palatable for a diseased person, Srila Rupa Goswami Mantras advises that if one wants to be cured of the material disease, he must take to it with great care and attention. One begins his treatment by chanting the Hare Krishna Mahamantra, because by chanting this holy name of the Lord, a person in the material condition will be relieved from all misconceptions. Cheto Darpana Marjan. Avidya, a misconception about one's spiritual identity, provides the foundation of ahankara or false ego within the heart. The real disease is in the heart. If the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed, a person cannot be harmed by the material disease. To cleanse the mind and heart from all misconceptions, one should take to this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. This is both easy and beneficial. By chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of material existence. Next. श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में तीन अवस्थाएं हैं, अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख है और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। सारांश यह है कि गौरव से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के सुदूरतम भागों में जहाँ कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडा कर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाला उच्चेक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। Next. If one is sincere, he is initiated at this stage, he is called Bhajanakriya. One then actually engages in the service of the Lord by regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra 16 rounds daily and refraining from illicit sex, intoxication, meat eating and gambling. By bhajan kriya, one attains freedom from the contamination of the materialistic life. He no longer does tour restaurant or hotel to taste so-called palatable dishes made with meat and onions. Nor does he care to smoke or drink tea or coffee. He not only refrains from illicit sex but avoids sex life entirely. Nor he is interested in wasting his time in speculating or gambling. In this way, it is to be understood that one is become cleansed of unwanted thing, arthat anarthat nivruti. The word anartha refers to unwanted thing. Anartha are vanish when one become attached to the Krishna conscious movement. Next. अनर्थापासून मुक्त झालेला मनुष्य कृष्ण सेवेतील सर्व कार्य करण्यास स्थिर होऊ शकतो। खरोखर तो अशा कार्यावर आसक्त होतो व भक्तिमय सेवा करताना श्रेष्ठ आनंदाचा अनुभव घेतो। याला भाव असे म्हणतात।
स्वभाव म्हणजे भगवत प्रेमाची प्रारंभिक अवस्था होय. अशा प्रकारे बद्ध जीव भौतिक जीवनातून मुक्त होतो व भौतिक संपत्ती भौतिक ज्ञान आणि सर्व प्रकारच्या भौतिक आकर्षणे याचा समावेश असलेल्या जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेतून मुक्त होतो. यावेळी तो भगवंताचे आणि त्याच्या मायेचे स्वरूप जाणू शकतो. एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती. यद्यपि माया विद्यमान होती है, इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है. माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण होना. कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना अमृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं. यदि काई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि यह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता. कृष्ण भावना अमृत अपनाने से मनुष्य क्रमश मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है. निसंदेह है वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता. जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:31 में पुष्टि है हुई है, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, यहाँ कृष्ण दान ही माया अधिकार. कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से. जहाँ धूप होती है वहाँ अंधकार नहीं रहता. जो ही मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञान निवारणस्य ज्ञानञ्जन शलाकायां चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टम् सारिकं भूतले स्वयं रूप रामयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सार्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सर्वगणहरिता श्रीविशाखान्तांश. हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So, ये जो सातवां श्लोक है, this is very very important श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. इस श्लोक में जो स्तर बताया गया है वह भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि की. भजन क्रिया ऐसी भजन क्रिया होनी चाहिए कि हमारे सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाए. भजन क्रिया अर्थात चैंटिंग, जप करना. आपको आवाज बराबर से आ रही सर? देखो करेंगे.
भजन क्रिया अर्थात जप करना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, उसको कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया यदि ठीक ठीक से होती है तभी जाके अनर्थों की निवृत्ति हो सकती है। भजन क्रिया ठीक क्यों होगी ऐसा हमें लगता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारी भजन क्रिया ठीक हो रही है, ऐसे हमें क्यों लगता है? यदि लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं। यदि लगता है कि हमारी भजन क्रिया ठीक हो रही है, यदि ऐसा थोड़ा भी लगता है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है साधु संघ। साधु संघ के बिना भजन क्रिया नहीं हो सकती, और भजन क्रिया हमको ठीक से करना है तो साधु संग आवश्यक है। यदि हमको लगता है मेरा भजन ठीक नहीं हो रहा है, यदि ऐसा भाव है, ऐसा लगता है, तो पहले कहाँ करेक्शन करना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरा साधु संग नहीं होगा इमीडिएटली। सो साधु संग इज दैट मच इंपॉर्टेंट। वो हमने पिछले चार से छह, तीन श्लोक में, चार पांच छह, तीन श्लोक में हमने साधु संघ इस विषय पे चर्चा की है। आज जो है भजन क्रिया, व्हाट इज चैंटिंग, भजन क्रिया क्या है, इसके ऊपर कई बार हमारे सेमिनार्स हो चुके हैं, हमने कई बार चर्चा की है इसके ऊपर, की है ना, भजन क्रिया पे चर्चा की है चैंटिंग। सो जब ये विषय ऐसा है जो कलयुग के लिए एकमात्र तारणा है, एकमात्र तारणा कलयुग के लिए क्या, जप चैंटिंग। हम जब जप करते हैं तो हमको सबसे बड़ा चैलेंज किसके थ्रू आता है, माइंड के, माइंड के थ्रू आता है। मन ये हमारा बड़ा भयंकर शत्रु है। मन त्रायते इति मंत्र, वो मंत्र के ही द्वारा कंट्रोल नियंत्रित हो सकता है, कौन, मन, परंतु वो हमको मंत्र तक जाने ही नहीं देता है कि नहीं। मंत्र मन त्रायते इति मंत्र, परंतु मंत्र तक भी जाने नहीं देता है। जैसे उदाहरण, हम महामंत्र का जप करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मन की कमाल देखिए, पहले बार बोला एक मणि को सरका दिया, अब दूसरी बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा मणि सरका दिया, दो मणि हो गए। अब एक मणि और दूसरे मणि के बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है। एक बार महामंत्र बोला और फिर दूसरी बार हमने महामंत्र बोला, दोनों के बीच में एक स्पेस रह गई, रह गई कि नहीं, कितने सेकंड की, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतना सा सेकंड है दोनों के बीच में, ट्रेस एकदम एकदम एकदम, क्या कहते हैं, माइक्रो माइक्रोसेकंड, माइक्रो माइक्रो का माइक्रोसेकंड, नैनो सेकंड, और उससे नीचे कोई हो तो वो, उतना गैप है, उतना ही गैप मन के लिए काफी है, उतना ही गैप मन को बहुत बड़ा अवसर देता है हमको डेविएट करने का। दो नामों के बीच का गैप, दो मंत्रों के बीच का गैप, दो मंत्रों के बीच का गैप तो बड़ी बात है, इवन दो नामों के बीच का भी गैप जो है ना मन के लिए काफी हो जाता है, मोर देन सफिशिएंट। हरे कृष्ण कितना गैप दिया, हरे कृष्ण कितना गैप हुआ, उतना समय हम मन को दे रहे हैं, उतनी देर में मन डेविएट हो सकता है, मन कहीं और, तुरंत उतनी देर में तो अमेरिका जाके आता है, मन पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करके आ जाएगा उतने समय में,
So it's very very important. Bhajana kriya ko हमने बहुत सिंसियरली एंड सीरियसली लेना चाहिए, हमने ध्यान करना चाहिए, मंत्र का ध्यान, जिसको कहते हैं मंत्र ध्यान इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति जब उस चेतना में रहेगा, मन जब उस चेतना में रहेगा तो वो ज्ञाप भी हो गया ना तो भी चेतना डिवाइन है, चेतना स्पिरिचुअल है तो मन दौड़ेगा नहीं, वहां डेविएट नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम, पहला ही सेंटेंस देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य का, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण लीलाए इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का नाम जो हमारे जिह्वा पे आता है, जिह्वा जब भगवान का नाम जप करती है तो क्या होता है, सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाता है जिह्वा पे। रूपा जी कह रहे नाम रूप गुण लीलाए सब क्या है, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों का युगल रूप जीवा में प्रकट हो जाता है, ऐसे प्रभुपाद जी को। और ये बात हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, ये बात हम जानते हैं। कब से जानते हैं, जब से महामंत्र जानते हैं तब से जानते हैं। परंतु केवल समस्या क्या हो जाती है, हम हमारे जानकारी को हल्के में ले लेते हैं, वी टेक इट लाइटली हमारी जो जानकारी आगे सर गई हो, हम अपनी जानकारी को बहुत ही हल्के में लेते हैं। सो क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण, सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण वो भगवान का नाम मिश्री के समान मीठा है। भगवान का नाम कैसा है, मिश्री के समान मीठा है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण भगवान का नाम मिश्री के समान मीठा है। किसको किसको मिठास टेस्ट आई हरिनाम, हरिनाम का जप किया बड़ा स्वीट लगने लगा, स्वीट मधुर मधुर मधुरतम अमृत के जैसा लगने लगा। ऐसा कभी अनुभव आया? आया? फिर वो अनुभव आने के बाद क्या हुआ, चला करते रहो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब हमको टेस्ट आती है रियल टेस्ट, इंडिविजुअली नहीं, भ्रमित करने वाली नहीं, भ्रमित करने वाली टेस्ट आएगी तो तुरंत चली जाएगी, लेकिन रियल टेस्ट आएगी तो फीलिंग अंदर से आएगा और जब करो, आज दिन भर जब करो, आज बैठा रहो ओनली जब करो, नथिंग एल्स, ऐसा भाव आता है और ये टेस्ट है, ये हरिनाम की टेस्ट है जो प्रभुपाद जी कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, पीलिया रोग होता है तो क्या हो जाता है, जो पित्त के स्त्राव से उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा पित्त हो जाता है तो जिसके कारण पीलिया हो जाता है, तो पीलिया ग्रस्त रोगी क्या करता है, जब वो मिश्री खाता है तो उसको मिश्री भी कड़वा लगता है। वैसे ही अज्ञानी लोग व्यक्ति जब शुरुआत को हरिनाम लेता है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का सर दर्द होता है, कोई हमको बता रही है प्रभु जी नाम जब आपने बोला किया कितना सर भारी कर गया, और कई बार कई भक्तों ने इनिशियल डेज में हमारे पास आके कंप्लेन किया जब हम जप करते हैं तो जप करते वक्त ही ऐसी ऐसी बातें याद आती है जो कभी नॉर्मल समय नॉर्मल टाइम पे कभी नहीं आई, सब भूल गए वो ऐसी जप करते वक्त याद एकदम याद आता है, अरे वो
अमुक प्रभु है ना, उसको 10 रुपया दिया था 3 साल पहले। अरे मैंने तो जन्माष्टमी रथ यात्रा के वक्त उसको 20 रुपया दिया था, अभी रथ यात्रा आ रही है, 20 रुपया पूरा टाइम 20 रुपया चल रहा है, रथ यात्रा जैसा महामहोत्सव है। तो अज्ञानता वश क्या हो जाता है व्यक्ति के अंदर, है ना, जो मिश्री है, जो मिठास है, वो मिठास की भी मिठास नहीं लगती है, कड़वाहट आ जाती है, मिठास नहीं आती। सो इसलिए प्रभुपाद जी उसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान। पर ये अज्ञान, ये अविद्या धीरे 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 जब कंटिन्यू करो, जब करते रहो, जितना ज्यादा जब करते रहेंगे उतनी संभावना मिठास की बढ़ती है। जैसे पीलिया वाला रोगी, मिश्री उसको कड़वी लगती है, फिर भी वो खाते रहता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, कभी तो उसको पांचवें छठवें दिन उसकी मिठास धीरे धीरे आने लगती है, धीरे धीरे, फिर उसको पूरी मिठास आने लगती है। वैसे ही हरिनाम का जो जप है, ये जो कहा गया है भजन क्रिया, इसमें भगवान के नाम का जप धीरे 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 करते रहना है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएगी, वो सब समस्या धीरे 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 रिड्यूस होते होते नाम की टेस्ट आना शुरू होगी, नाम रुचि। उसको क्या कहा गया है? नाम रुचि, रुचि इन द नाम, टेस्ट इन द होली नेम। वो हरिनाम में, भगवान के नाम में हमको बहुत अच्छी टेस्ट आने लगेगी। प्रत्येक मणि का हम जब जप करते हैं तो प्रत्येक मणि का स्मरण करना चाहिए। 108 है ना, 100 गोपिया और 8 अष्टसखी प्रमुख गोपिया और बीच में राधा और कृष्ण, रास लीला चल रही है। जप कर रहे हैं अर्थात क्या हो रहा है, रास लीला चल रही है, और रास लीला में हमको क्या करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतन्य शिक्षा क्या है, मंजरी भाव में भगवान की सेवा करना है। अर्थात हमको ना तो गोपी अष्टसखियों की सेवा करना है, ना राधा रानी की, अष्टसखियों की जो सखिया है, जो इनकी सेवा करती है, हमको उनको प्रार्थना करनी है कि आपकी हम कैसे सेवा करें, मंजरी भाव उसको कहते हैं। तो जब हम जप करते हैं तो ये 100 तो मंजरिया है, तो इनको प्रार्थना करते रहना है, जब करते भाव ये होना चाहिए कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कृपा करके हमें आपकी सेवा में स्वीकार करिए, है ना, और जब करते रहना है विदाउट गिविंग गैप, गैप दिए बिना। अब किस में गैप? दो नाम के बीच में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओनली सांस लेने की जो गैप है उतनी ही वैलिड है, अदरवाइज वो भी गैप न ले तो उत्तम। एक सांस में पूरे पूरा महामंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों ऐसा करना है? मन को जरा गैप दे देंगे, दो नाम के बीच में इतना भी गैप देंगे, फिर वो हमको खाई मिल जाएगा, फिर वो हमको कहा ले जाएगा हमको पता नहीं है। इट्स वेरी बिग डेंजर। सो इसलिए अब उसके भी प्रति बहुत ज्यादा हमको कॉन्शियस नहीं होना है, अरे मैं गैप दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, अरे मैं गैप दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, अरे मैं गैप दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, भगवान तो नहीं ही नहीं जप में। अब जप में कौन आ गया? मन बड़ा चतुर है, जिस चीज को आप सोचोगे उस चीज को एक्सपांड कर देता है, बढ़ा देता है। यदि मैं सोच रहा हूं कि अरे मैं गैप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, गैप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूं, तो फटाक से वो गैप कर देगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं वो एक्सपांड कर देगा। तो मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या सोचना है, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में एंगेज करो, मुझे कुछ सेवा दो,
इस भाव से जप करना है। मैं केवल टेक्निकल पॉइंट आपको बताया है, उसको एक्सपांड नहीं करना है। ये हमको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि जप करते हुए जब ज्ञाप हो जाता है तो ज्ञाप के कारण मन हमारा भटक जाता है, डिविएट होता है और फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं, दूर भगवान के नाम से हम दूर चले जाते हैं। जैसे कई बार लोग बैठते तो है सोलह माला जप करने के लिए, चलो अब मैं सोलह माला जप कर लूंगा, लेकिन चार माला होने के बाद सोचते जाने दो, अभी चार हो गया ना, फिर बाकी के बारह बाद में करूंगा। डेविएट हो गया, मन ने क्या किया, माइंड ने प्रलोभन दे दिया, फिर भजन क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। दैट्स नॉट अ भजन क्रिया। भजन क्रिया ऐसी हो कि अनर्थ निवृत्ति हो जाए। अब अनर्थ क्या है, अनेकों प्रकार के अनर्थ हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे उसकी। अनर्थ अनेकों प्रकार के हैं, असत तृष्णा है ना, ऐसे प्रकार से अनेक प्रकार से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो वो अनर्थ की निवृत्ति हम नहीं करते हैं, वो तो हरिनाम कर लेते हैं। हमको क्या करना है, हरिनाम की शुरुआत करना है विथ राइट कॉन्शियसनेस। अनर्थ निवृत्ति कौन करेगा, हरिनाम। वो हरिनाम आगे का सारा कार्य कर लेता है, वो सारे अनर्थ को दूर कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से जब अनर्थ निवृत्ति दूर होती जाती होती जाती होती जाती है, निवृत्ति हो जाती है अनर्थों की, तब व्यक्ति के अंदर निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, वो व्यक्ति किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट कार्य हो वो व्यक्ति जप करेगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट कार्य वो व्यक्ति वीकली सत्संग में आएगा, वो सारे कामों को एडजस्ट कर लेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा भी होता है वो सत्संग के लिए। क्यों, क्योंकि उसको नाम रुचि आ रही है। नाम रुचि कैसे आती है, भक्तों के संग से आती है। तो क्योंकि टेस्ट आने के कारण उसको पता चल गया कि मैं एक वीक का भी गैप हो जाता है तो मेरा, जब दो नामों के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गैप आ जाता है तो डेविएशन हो जाता है। एक हफ्ते की तो बात ही छोड़ो, एक हफ्ता गैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए जब मुझे कोई पूछता है, मतलब आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, कई कई बार भक्त तो मुझे भेजते हैं, प्रभु जी अमुक अमुक काम आ गया तो ये संडे में नहीं आ रहा, तो पर्सनली यदि मुझे कोई पूछे तो आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि मेरे मन में तुरंत दूसरा बात आ जाता है, कौन सा, 15 दिन अभी क्रश होने वाले, 15 दिन अभी इनका जूस निकलने वाला है, एकदम पूरी माया इनको जकड़ देगी, क्योंकि रुचि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, रुचि नहीं है तो भजन क्रिया ठीक नहीं होगी, भजन क्रिया ठीक नहीं होगी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तो निष्ठा तो छोड़ दो, निष्ठा का कोई प्रश्न ही नहीं। सो इस बात से हम अवेयर हो जाए, सजग हो जाए, माइंडफुलनेस सजगता हमारे अंदर आनी चाहिए। नहीं, ये सब आध्यात्मिक कार्यकलाप छोड़ना नहीं है मुझे, एट एनी कॉस्ट, कंसिस्टेंटली नियमितता से मुझे करना ही है। कई बार चैलेंजेस आएंगे, कई बार क्या क्या होगा, कुछ कुछ होता रहेगा, लेकिन जितना डेविएट होगे, जितना दूर जाएंगे, उतना डेविएशन एक्सपांड होते जाएगा, उतना डेविएशन एक्सपांड होते जाएगा। कई हमको हमारे गुरु महाराज बोलते थे, इफ यू डिसाइड, यदि आप सोचते हो कि अमुक काम नहीं करना है, यदि आप सोचते हो कि अमुक आध्यात्मिक कार्य नहीं करना है या अमुक आध्यात्मिक सेवा नहीं करना है या जप नहीं करना है, तो आपके पास इतने कारण आ जाएंगे, तुरंत ये माया देवी क्या करेगी, ये प्रकृति क्या करेगी, करोड़ों करोड़ों कारण आपको दे देगी सामने लाके, कि आप एक जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों तक भी आपको आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते, और आपको कारण भी मिलेगा उसका नहीं करने का,
क्योंकि माया लाके देगी आपको, ये देखो ये कारण, बोलो ये देखो ये कारण बोलो, करोड़ों अब्जो कारण दे देगी माया, जीवन बीत जाएगा लेकिन कारण समाप्त तो नहीं होंगे। हमारे गुरु महाराज बताते थे बात वेरी सिंसियरली, यदि कोई चीज नहीं करना हो आपको तो वो नहीं करने के लिए करोड़ों कारण माया दे देगी आपको लाके, स्पेशली आध्यात्मिक बात, आध्यात्मिक सेवाओं की बात हो रही थी, नाम जप हो या कोई भी। सो यदि हम भजन क्रिया को ठीक से करना चाहते हैं तो पहला कंसिस्टेंसी, सीरियसनेस, नो गैप, नो गैप, गैप नहीं होना चाहिए। इस बात का प्लानिंग मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यस, लेकिन ऐसे सिचुएशन से प्रभु जी, जब भी हमको करना है और डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ऐसा लगता है कि भगवान उसका अरेंजमेंट भी करके देते हैं कि मतलब यदि निष्ठा के स्तर पे गए हो तो, डिटर्मिनेशन के स्तर पे गए हो और डिफिकल्टी आ गई और अब जाना नहीं हो रहा है, लेकिन स्तर निष्ठा का पा लिया है, तो जो व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे, वो क्या करेगा। मान लो किसी कारण से गैप हो रहा है लेकिन व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे, वो क्या करेगा? वो जहां जही जहां कहीं पे भी है वो विद फुल ऑफ माइंडफुलनेस कहते हैं, या विद फुल ऑफ हिज हार्ट, अंतकरण से प्रार्थना करता रहेगा, दिखाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, भ्रम इल्यूजरी लेवल पे नहीं, वो सिंसियरली सीरियसली अंदर से प्रार्थना करेगा, हे कृष्ण ये क्या हो गया, बहुत डीप उसका प्रेयर रहेगा, उसका नेक्स्ट टाइम गैप नहीं होगा, वो फिर कृष्ण इंटरफेयर करेंगे, सिचुएशन को करेक्ट कर देंगे। परंतु जो इंजॉय करता है गैप को, ऐसे लोग तो गैप को इंजॉय करते हैं, काम में इतने मस्त हो जाते कि भूल जाते हैं आध्यात्मिकता को, नाम को, भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं काम, तो उनका डेविएशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस माया देवी लाती है, और डिटर्मिनेशन निष्ठा के स्तर पे जो भक्त है उनके लिए ऑप्शंस कृष्ण करेक्ट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। सो भजन क्रिया इसलिए अतिशय महत्वपूर्ण है। हरि नाम में रुचि ये कैसे आती है? क्या एक दिन में आती है? क्या कोई टैबलेट है? क्या कोई अमुक क्लास से एक सेमिनार सुन लिया हरिनाम का और हो गया, रुचि आ गई, निष्ठा उत्पन्न हो गई? निष्ठा के स्तर पे जाने के लिए बहुत प्रयास लगते हैं। हाँ, जैसा हमने अभी पहले अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, चार स्टेजेस है बीच में, चार स्टेजेस, अधो श्रद्धा, श्रद्धा है सबसे पहले, फेथ, फेथ बहुत गाढ़ा चाहिए, अतूट श्रद्धा चाहिए, अतूट श्रद्धा जब हमारी उस लेवल तक पहुंच जाएगी तब हमको ठीक ठीक से साधु संग करने की हमारी इच्छा प्रबल हो जाएगी, साधु संग की इच्छा प्रबल रहेगी, फिर हम सिंसियरली क्लासेस करेंगे, सिंसियरली श्रवण करेंगे, सिंसियरली सेवा करेंगे, प्रबल हो जाएगी साधु संग की इच्छा, और साधु संग की इच्छा प्रबल जब होती है तो साधुओं के पास क्या होता है, साधुओं के पास क्या होता है जो हम बोलेंगे, भजन, साधु क्या करते हैं, जो जिसके पास है वही तो हमको देगा, साधु के पास क्या है, तो हमको क्या देगा साधु, बोलेगा भाई जब करो, और क्या बोल सकता है साधु, केवल इतने ही बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी को एक बार, मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा वियतनाम वार के समय, प्रभुपाद जी को पूछा अरे अभी वार होने वाला है, सुना है पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, स्वामी जी आप क्या करोगे, वार होने की संभावना है, वार को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? प्रभुपाद जी देखे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कुछ दिन बाद वही भक्त आया, रूपाल जी स्वामी जी वार शुरू हो गया, कई लोग मर रहे, अब आप क्या करोगे? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भजन क्रिया साधु के पास क्या है? भजन। तो साधु संघ से हमको भजन प्राप्त होता है, फिर हम भजन करते रहते हैं, संग प्राप्त करते रहते हैं, श्रवण को हम जो श्रवण करते हैं, श्रवण को हम नेक्स्ट लेवल पे लेते जाते हैं, अटेंटिव लिसनिंग, विदाउट अटेंटिव लिसनिंग निष्ठा के स्तर पे को निष्ठा के स्तर पे कोई नहीं जा सकता। निष्ठा कैसे प्राप्त होगी? अटेंटिवली कुछ श्रवण किया होगा, किन से? साधु संग करते वक्त। साधु संग का अर्थ क्या है? साधु के पास बैठ के, कैसे बैठ के? कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। साधु के पास जाना है तो विधि पूर्वक जाना होता है, लमसम नहीं जा सकते, अच्छा लगा तो जाओ, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ो, ये नहीं चलेगा। कंफर्ट्स डिसकंफर्ट्स लाइक्स डिसलाइक्स ये भाव नहीं है, तत्विधि विधि पूर्वक जाना है, प्रणिपाते न समर्पित भाव से, चाहे कोई भी सिचुएशन है, आई एम सरेंडर्ड, प्रणिपात समर्पित हूं, प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से जाकर साधुओं से सुनो, अटेंटिव चैंटिंग सॉरी अटेंटिव लिसनिंग। जब तक साधुओं के द्वारा साधु संघ के माध्यम से श्रवण हम नहीं करते हैं, तब तक हमारी निष्ठा हमारी नहीं हो सकती, हमारी सिचुएशन डामाडोल रहेगी। कभी कभी तो हरि नाम में इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, 64, 128, 192, 192 राउंड भी कर लेंगे, बहुत ही सुपर डुपर फीलिंग स्पिरिचुअल एकदम, इतना बढ़िया आध्यात्मिक हमको रेसिप्रोकेशन मिलेगा कि हमको मेमोरी में रहेगा बहुत, और 15 दिन बाद बहुत कर लिया, 192 एक दिन कर लिया, अरे एक हाथ दिन ऐसा थोड़ा सा चल जाता है, एक हाथ दिन हाथी के जैसा, प्रभुपाद जी हाथी का उदाहरण देते हैं ना, स्नान कर लिया, एक हाथ बार गटर में थोड़ा सा कई बार लोटन कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, इतना तो बढ़िया स्नान किए। फिर हमारी झिक झैक भक्ति होती है, कौन सी भक्ति? झिक झैक भक्ति, झिक झैक भक्ति था, एक दिन 16, दूसरे में 32, 64, 192, फिर 0, फिर 2-3 दिन 0, फिर 4 दिन 4, 192 किया है ना, अभी तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने पास, 4 किया, फिर 4 के बाद 8 किया, 8 के बाद कुछ काम निकला तो एक दिन क्या किया, प्रभुपाद जी ने बोला, गुरु महाराज जी ने बोला 16, फिर 16 कर लिया, फिर 16 कर लिया ना, कल ही तो कर लिया, आज 0, व्हाट इज दिस? झिक झैक भक्ति, कौन सी भक्ति? झिक झैक भक्ति। श्रवण ही नहीं है, श्रवण करने की क्या जरूरत है, सब तो पता है, 15 साल हो गया भक्ति में, 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, इवन 5 साल भी हो गया, बहुत हो गया, अब क्या है तो पता है, भगवद गीता पता है, क्या है भगवद गीता, 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवद गीता, पता है क्या श्रवण करने के, उससे अच्छा दूसरा कुछ काम निकाल निपटा लेता हूं। दिस इज नॉट अटेंटिव लिसनिंग, ये श्रवण नहीं है। हमने पूर्व में चार्ट इसीलिए दिया था कि डेली कुछ तो अटेंटिवली श्रवण करो, कुछ भी जो भी आध्यात्मिक है, जो आपको ठीक लगता है, जिससे आपके हृदय तक बातें छू जा सकती है, कुछ श्रवण करो डेली, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है। आजकल तो मॉडर्न जमाना है, सब कुछ है, गूगल क्या है, यूट्यूब है, और क्या क्या है,
सब पता है हमको, थोड़ा अटेंटिव श्रवण करें, अटेंटिवली श्रवण करें, है ना। श्रवण करने से हमारी निष्ठा बढ़ सकती है, साधुओं के द्वारा, साधुओं के वचन मुख कमल से आए हुए शब्दों का जब हम श्रवण करते हैं अटेंटिवली, तब हम निष्ठा के स्तर पे जा सकते हैं। जब हम निष्ठा के स्तर पे जाएंगे तो क्या होगा, तब हमको टेस्ट आने लगेगी, हमको लगेगा व्हाट इज द टेस्ट ऑफ होली नेम। द टेस्ट ऑफ होली नेम इज लाइक अ मिश्री, प्रभुपाद जी तात्पर्य होली नेम, भगवान के नाम की टेस्ट क्या है, रुचि क्या है, मिठास, स्वीट, अधरम मधुरम, अखिलम मधुरम, भगवान संपूर्ण मधुर है, भगवान का नाम मधुर है, है कि नहीं। सो इसलिए ये बातें जो तीन, दो तीन बातें इस श्लोक में, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ये चारों बातों पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आज केवल हम इसका इंट्रोडक्शन किए हैं कि किस प्रकार से श्रद्धा जब होती है तो साधु संघ मिलता है, जब साधु संघ, साधु संघ कैसा, एडवांस्ड साधु, एडवांस्ड डिवोटीज का संघ। एडवांस्ड डिवोटीज मीन्स हु इज एडवांस्ड डिवोटी, उत्तम, जिनको देखने से जब एडवांस्ड डिवोटी किसको कहते हैं, इनको देखने से कृष्ण की याद आती है, जो अटेंटिवली श्रवण करता है, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वो एडवांस डिवोटी है। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वो ही एडवांस डिवोटी हो सकता है। और फिर ऐसे जिन्होंने ध्यान पूर्वक पूर्व में श्रवण किया है या करते आ रहे हैं, उनके द्वारा हमको श्रवण करना है, उनके, उनको प्रश्न पूछना है, उनसे चर्चा करनी है आध्यात्मिक, है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट संडे करेंगे।